हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तोरई की सब्जी बनाने जा रहे हैं, सिंपल तरीके से बिल्कुल, और 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी सब्जी। मैंने ले ली है 1 kg तोरई, धुल के छील के इसको काट लिया है छोटा छोटा। इधर ले ली है 3 से 4 हरी मिर्च। इधर ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, 2 से 3 चम्मच तक तेल डालेंगे क्योंकि 1 kg तोरई है, तो उस हिसाब से तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें डालेंगे जीरा थोड़ा सा, आधा चम्मच डालेंगे, थोड़ी सी हींग, डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्चा, 2 से 3 जो मिर्चा मैंने कट की थी वो इसमें डाल देंगे। इसी में डालेंगे थोड़ी सी हम, आधा चम्मच हल्दी, हल्दी को भून लेंगे। इसी में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तक धनिया पाउडर, धनिया को भी अच्छे से भून लेंगे, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच डाल के इसको भी भून लेंगे, हल्दी और धनिया। नमक हम बाद में डालेंगे, ताकि लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आपके जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने तो 4 हरी मिर्चा डाली है, तो जरूर नहीं है, तोरई हरी मिर्च में ही अच्छी लगती है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं दोस्तों। इसी में डाल देंगे तोरई, तोरई में डालेंगे, तोरई हमने मिला दी, मिला के इसको ढक के पका लेंगे 5 से 10 मिनट तक, उसको पकने देंगे। ये देखिए तोरई बनके तैयार है। इसमें देसी घी आप 2 चम्मच डालिए और सर्व करिए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। कुछ सिंपल तरीके से 5 से 10 मिनट में तैयार हमारी तोरई की सब्जी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। नमक मैंने डाल दिया था थोड़ा सा उतारते समय, आधा चम्मच डाला था, ज्यादा नहीं। आप उतना देख लीजिएगा आपको कितनी तोरई है, उस क्वांटिटी के हिसाब से उतना ही नमक डालिएगा। तोरई में नमक ज्यादा हो जाता है हमेशा, क्योंकि पानी छोड़ती है जो भी सब्जी, साग या कोई तोरी गीली जो सब पानी छोड़ती है, उसमें नमक हम बाद में डालें तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए हम सर्व कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आप देसी घी डालिए, नमक वाली पानी वाली रोटी बनाइए, उसके साथ एंजॉय कीजिए। वैसे तो किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए, पूरी पराठा रोटी इसके साथ, लेकिन पानी की रोटी के साथ तो बहुत मजा आता है इसका दोस्तों। बनाइएगा नए तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना प्याज लहसुन, बिना प्याज लहसुन की सब्जी आप लोग खाइए, आनंद उठाइए। आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।